हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम, लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीजीकेवी के बारे में। सीजीकेवी का जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री यानी कि DAH में, उन सभी का जो कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो फाइनली आ चुका है। सो जिन जिन लोगों को कॉलेज मिला है उन सभी को बधाई। और एक बात यहाँ पे आ जाती है कि हम अपना जो नाम है वो कैसे देख पाएंगे, तो मैं आपको आगे कैसे आप नाम अपना देख पाओगे उसका जो लिस्ट है वो यहाँ पे आपको बतला दे रहा हूँ। तो ये है वो लिस्ट जो कि सीजीकेवी विश्वविद्यालय यानी कि दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा आज दिनांक 6/10/2020 को जारी किया गया है। यहाँ पे अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक निर्देशिका दिए गए हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पे प्रवेश हेतु आवेदन के समय में जारी नियम पुस्तिका में इंगित प्रवेश नियम लागू होंगे, ठीक है। और यहाँ पे अभ्यर्थियों को अनुक्रमांक क्रमशः 1 से 20, 21 से 40, 41 से 60, 60 से 80 और 81 से 100 के अनुसार निर्धारित तिथि में आंबटित पॉलिटेक्निक में प्रातः 10:30 बजे से उपस्थित होकर संबंधित पॉलिटेक्निक के प्राचार्य को अपनी उपस्थिति की सूचना देनी होगी। मतलब वहां पे आपको जाना होगा, ओके। यहां पे पशुपालन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम DAH के प्रवेश नियम 2020-21 के अनुसार अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा चाहे गए अनिवार्य दस्तावेजों के सत्यापन हेतु मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल एवं दस्तावेजों की 2 सेट एवं हस्ताक्षरित सत्यापित छायाप्रति, 2 फोटोकॉपी एवं प्रवेश शुल्क कितना 7,390 रुपये लेकर आना होगा। याद रखिए यहाँ पे 2 सेट बोला गया है, ठीक है। जो दस्तावेज है उसका 2 सेट, मैं बोलूँगा 3 सेट करवा लेना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। और आपका यहाँ पे 2 फोटो के बजाय आप कम से कम 5 फोटो अपना जरूर रखे रहना, ठीक है। और यहाँ पे जो निर्धारित शुल्क है 7,390 रुपये, ये आपको लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो अनिवार्य दस्तावेज है उसकी सूची भी दी गई है, जैसे कि यहाँ पे लगभग आपका 12 जो दस्तावेज है वो आपको साथ में रखने हैं, जिसका 2 सेट आपको करवा लेना है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 3 सेट करवा लीजिएगा। पहला आपका 10वीं का अंक सूची, 12वीं का अंक सूची, छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सवर्ग प्रमाण पत्र यानी कि अगर आप कृषक हो, ठीक है, फ्रीडम फाइटर हो या फिर PH से हो या EX से हो तो वो आपको रख लेना है। इसके बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अंतराल प्रमाण पत्र यानी कि आपका जो गैप सर्टिफिकेट है वो, और प्रयोजन प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट और आपका आधार कार्ड, ये होना जरूरी है, ओके। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। तो ये जो प्रिंट है ना, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 7वां, अभ्यर्थी को शासन एवं संबंधित जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार COVID-19 संक्रमण को रोकने हेतु समुचित दूरी का ध्यान रखना है। जब आप कॉलेज जाओगे वहाँ पे तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। मास्क, भोजन एवं सैनिटाइजर साथ में आपको रखना अनिवार्य है। जब वहाँ जाओगे आप तो अपना खुद का मास्क, अपनी व्यवस्था से भोजन और सैनिटाइजर साथ में आप जरूर लेना। बिना मास्क के महाविद्यालय परिसर में आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। 8वां में इम्पोर्टेंट दिया है, COVID-19 की समस्या के कारण अभ्यर्थियों को अपने साथ सिर्फ 1 साथी या अभिभावक की अनुमति है, यानी कि आपके घर से सिर्फ आपको एक, जो आपसे बड़े हैं उनको बस आपको ले जाने की अनुमति यहाँ पे दी गई है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो फाइनली आपका जो लिस्ट जो है कॉलेज का वो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी कैंडिडेट जो हैं, ठीक है, जितने भी अभ्यर्थी थे उनका यहाँ पे प्रोविजनल लिस्ट जो है वो सीट अलॉटमेंट एट वेटनरी पॉलिटेक्निक जगदलपुर में, ठीक है, यहाँ पे डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री DAH एकेडमिक सीजन या ईयर बोले 2020-21, तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे लिस्ट जारी कर दिया है। और यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दिया गया है
और बगल में आपके फादर नेम या फिर मदर नेम और आपका कैंडिडेट नेम, ये तीनों यहाँ पे दिया गया है। क्या क्या? कैंडिडेट नेम, फादर नेम और मदर नेम। और फिर यहाँ पे आपको जो देखिए पॉलिटेक्निक कहाँ पे मिला है ये आपको दिया गया है, और आपका रिपोर्टिंग दिया गया है, रिपोर्टिंग डेट, तो आपको इस दिन रिपोर्टिंग करना है कॉलेज में जाके, और उस दिन जाना यहाँ पे अनिवार्य है। तो इस तरीके से आप अपना नाम यहाँ पे ढूंढ सकोगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस PDF का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसमें अपना नाम ज़रूर ढूंढिएगा। और अगर आपका नाम आ जाता है तो जिस दिन आपका रिपोर्टिंग डेट दिया रहेगा उस दिन आपको रिपोर्टिंग करना है, ठीक है, जो भी कॉलेज आपको मिला रहेगा उस कॉलेज में, ठीक है जी। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। सो डियर ग्रियंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, कमेंट करके बताएं आपके जो भी डाउट्स है या वीडियो कैसी लगी इसके बारे में। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय जवान जय किसान दोस्तों।